हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग स्टार। मुझको बहुत तेज बुखार चढ़ गया यार, मैं भी बाहर लगता हूँ। तो गाइस, मैं बाहर लेटा हुआ था तो देखो थर्मोमीटर, मुझको परसों रात चढ़ा है 12 बजे। बुखार थोड़ा बहुत उल्टी हुई भाई साहब, मुझको उल्टी हुई, फिर मैं लेट गया। सुबह 104 बुखार हुआ भाई, सुबह उठ को रात को जब हुआ ना, मुझे थोड़ी उल्टी हुई, फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। फिर सुबह उठ तो ही गाय मुझको 104 बुखार चढ़ा। अब तो फाइनली मैं थोड़ा ठीक हूँ गाइस। गाइस यार, मैं कहीं घूम फिर नहीं सकता, अब मैं डॉक्टर के जाऊंगा, डॉक्टर को बताऊंगा ऐसे 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 वगैरह वगैरह। थर्मोमीटर गाइस, जब मुझे 104 बुखार चढ़ा ना, इतना तेज था, पता नहीं गाइस कहाँ से चढ़ा। अम्मा, मुझे किस तरह चढ़ा था बुखार? गाइस मैं लेट रहा था आराम से, मुझे तुम बुखार चढ़ा। गाइस यार, अब मैं डॉक्टर जाऊंगा ना, तब एक ब्लॉग बनाऊंगा आपको दिखूंगा। उत्तराखंड में रहते हैं, चुड़ियाला में, उत्तराखंड चुड़ियाला मंदिर। तो गाइस आप रुड़की को जानते ही होगे, कोई आदमी उत्तराखंड में रहता होगा। रुड़की में ऋतु शर्मा हॉस्पिटल है गाइस। गाइस वो भाई इधर का मैं, अम्मा मैं उसका ही तो पैदा हुआ था, करण का देव नर्सिंग होम, उसके में पैदा हुआ ऋतु शर्मा। मैं ना यार बचपन से, जब मैं बिल्कुल 1 महीने का था, एक दिन का था, मैं वहीं सदा वाई लू था, मुझे वहीं से यार पहला इंजेक्शन। बोल पड़ा 9.7 91.2। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, बुखार है नहीं, पूरा बात गर्म हो रहा है मेरा। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इंजेक्शन मेरा ही हो गया, बचपन में लगता नहीं, अब दिख नहीं रहा। ठीक यार गाइस, बुखार बहुत हो रहा है, डेंगू भी हो रहा है यार गाइस। पिछले महीने ना अगस्त में भाई मुझे बुखार चढ़ गया, मेरा तो उतर गया, मतलब मुझे फीवर हो गया। फिर पापा को, मेरा तो उतर गया था फीवर, फिर मेरे पापा को फीवर हो गया, पापा को उतर गए, फिर अम्मा को हो गया। पापा तो मनोज बाबा के मकान पर रहते हैं, वो मनोज बाबा के मकान पर 3 दिन रहे,
रुड़की में। चलो गाइस जब मैं जाऊंगा ना डॉक्टर के तो आपको हॉस्पिटल दिखा दूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत करो, कुछ ना करो, कोई बात नहीं, जब आप करते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो बाय बाय।